छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीते रविवार एक ऐसी घटना हुई जिसने आफताब और श्रद्धा का मर्डर केस जो था उसको फिर से ताज़ा कर दिया है। एक शहबाज खान नाम के युवक ने एक लड़की नीलकुसुम पन्ना उसका 51 बार स्क्रू ड्राइवर से उसके सीने पर वार किया। रविवार देर शाम पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के सीने, गले, चेहरे और पीठ पर धारदार हथियार से कुल 51 घाव मिले। घटना के दौरान युवती ने अपने बचाव के लिए हमलावर से संघर्ष भी किया जिससे उसके हाथ पर धारदार हथियार से चोट लग गई। हत्या के वक्त बच्ची का मुंह बंद रखा गया था ताकि वह शोर ना कर सके। इतना दर्दनाक उसको मौत दी गई है। और हुआ ये, पुलिस सूत्रों के अनुसार घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। बुधराम पन्ना साउथ ईस्ट कोल्डफील्ड लिमिटेड के पंप हाउस कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। बुधराम पन्ना की पत्नी, एक बेटी और बेटे का सुखी परिवार था। वो मजदूरी करने गया था। 18 वर्षीय बेटा अपनी दादी को, अम्मा को छोड़ने गया था। तो जो शहबाज था उसने फ्लाइट से आके युवती की हत्या की थी। कैसे कि सीओ कोतवाली प्रभारी नगर निरीक्षक रूपक शर्मा ने बताया, नीलकुसुम पन्ना और शहबाज खान के बीच मोबाइल और व्हाट्सएप पर काफ़ी देर बात होती थी। ऐसा लगता है कि दोनों रिलेशनशिप में थे। पुलिस जांच में पता चला कि नीलकुसुम पन्ना लंबे समय से शहबाज खान से बात नहीं करना चाहती थी लेकिन शहबाज खान उसे बार बार फोन करता था। तो इनके बीच व्हाट्सएप और मोबाइल से बात होती थी लेकिन बीच में नीलकुसुम पन्ना जो है वो शहबाज खान से बात नहीं करती थी, इसीलिए उसका मर्डर इतनी बेरहमी से शहबाज खान नाम के युवक ने किया। तो पुलिस की टीमें जो हैं, तीन टीमें गठित करके संभावित स्थानों पर भेजी गई हैं। शहबाज की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखते